नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जतिन कुमार। मैं यहाँ पे MSc एंटोमोलॉजी डिपार्टमेंट में पढ़ता हूँ। आज मैं आपको बताना चाहूँगा सेरिकल्चर के बारे में। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये सहतूत का पेड़ है जिसको मलबरी बोलते हैं। इसके ऊपर जो लगने वाला जो सिल्कवर्म होता है उसको बॉम्बिक्स मोरी यानी कि मलबरी सिल्कवर्म बोलते हैं। ये 300 से 500 के बीच में एग लेइंग करता है। आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, देखिए। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये एग्स हैं मलबरी सिल्कवर्म के। अगर आप बारीक से देखें तो ऊपर एक आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जहाँ से वो लार्वा जो है अपना हैच हो चुका है, यहाँ से निकल चुका है एग के अंदर से। ये अभी हम लोग हिली एरिया में हैं, तो यहाँ पे हिली एरिया में दिसंबर के टाइम पे जो उसका इन्फेस्टेशन स्टार्ट होता है, जो उसका दोबारा एग लेइंग जो पीरियड आएगा वो मई जून के टाइम पे आएगा। तो इसके जो मेन चीज़ जो होती है वो उसका हमें प्रिपरेशन से मतलब होता है, क्योंकि उसी वजह से इसको बेनिफिशियल इंसेक्ट के अंदर काउंट किया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको दिखाता हूँ मैं इसके ककून और इसकी सिल्क क्वालिटी कितनी अच्छी होती है। इस टाइम इसको ज़्यादा टाइम हो गया है, तो उसका जो सिल्क है वो थोड़ा डैमेज हो चुका है, उसकी इतनी ज़्यादा वो नहीं रही है अभी। ये देखिए, आप देख सकते हैं इधर सिल्क, इसकी क्वालिटी देखिए आप सिल्क की। ये बिल्कुल वाइट सिल्क होता है, इसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है। टर्ल जो होता है इसका एग ले करता है 300 से 500 के बीच में। फिर वो एग जब हैच होते हैं तो वो रेसली वो 10 दिन तक फीड करते हैं। 10 दिन में उसके लार्वे जो हैच होते हैं वो फीड करते हैं 30 से 40 दिन तक। फिर उसका मेन फेज जो ककून आता है। धन्यवाद।